हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ये ब्लॉग जो है ना काफ़ी दिन पहले का है, जब स्कूल गई थी जिया। तो यहाँ पे जो है ना एक खोवा बनाया था थोड़े से दूध का, क्योंकि वो बोल रही थी जो खोवा खाना है खोवा खाना है। तो 1 से 1.5 किलो दूध का बनाया था, ताकि वही है ना बच्चे का मन रखने स्कूल के लिए से करना आ होता। तो चुकी इसके है पापा बेबी ने जो है ना डॉल, बना है दिया ना? था। अभी खोवा खाएगी। पापा जी ने बनाया, गरम है अभी, थोड़ा ठंडा होने दो। आज इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, है ना बाबू? अभी अच्छा लगता है आपको? तो थोड़ा सा बना दिया था इसके लिए, इसमें भी टाइम तो लगता ही है। बाकी जो है मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर, इतना उन्होंने चला दिया है ना, कढ़ाई में चला दिया पापा जी ने। क्योंकि आज ही मॉर्निंग से ही खोवा खोवा कर रही थी कि मम्मा मुझे खोवा खाना है, मम्मा मुझे खोवा खाना है। और एक बच चुका है और आज ये वैन में ही आ रहे थे, है ना बाबू? इसके पापा जी गए लेने के लिए और ये रास्ते में ही मिल गए थे। अरे वाह, कैसा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसा है, बताओ। अच्छा है, चलो खा लो, आप एंजॉय हेलो करो, ठीक एवरीवन, है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों से वेलकम कर रही हूँ। तो सुबह बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था बेटू का, सुबह भी नहीं बनाया था, वो आई थी ना स्कूल से, आई थी उस टाइम पे बनाया था। अभी बस मैं चोटी वगैरह करके आई हूँ। शाम का टाइम, हाँ शाम का ही हो रहा है, 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। और बेटी की जो तबीयत है ना बड़ी वाली की, खराब। मैंने उसको स्कूल भेज दिया था, मैंने सोचा कि स्कूल भेज देती हूँ इसको, और जो है ना स्कूल भेज देती हूँ इसको। दवाई देकर, खांसी की दवाई मैंने दे दी थी, फीवर की मैं देना भूल गई। एक तो लेट भी हो रहा था आज इसको, थोड़ा सा लेट था, वैसे तो लेट नहीं थी, बस तो आने से पहले ही चली गई थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि हाँ लेट ना हो जाए, उस वजह से टैबलेट रखना भूल गए। अरे ये कह भी रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा था कि कहाँ रखे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम आपको पता है कितना जल्दबाजी का होता है ना। तो बस यही टेंशन थी, मैंने कॉल भी नहीं की, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं ना वो कॉल उठाते नहीं है। तो मैंने सोचा शायद आराम करा देंगे। तो बिल्कुल तेज बुखार था वो, आई थी जब, मैंने उसको आते ही पहले गर्म पानी से दवा दी है सारी। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है दोनों को, पता नहीं, और ये टाइम ले लेती है खांसी। और मैं बोल रही हूँ कि एक रोटी खा लो, रोटी खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। बोल रही कि मम्मा मुझे रोटी नहीं खानी। तो मैंने कहा क्या खाओगी फिर? अब बच्चा भूखा भी रहता है, फिर वही है ना, कह रही कि मम्मा मैगी बना दो, 2 पैकेट मैगी रखे हैं, इनको ही बना देती हूँ, क्योंकि सुबह उसने मॉर्निंग का खाना भी बोल रही कि एक ही रोटी खाएगी, क्योंकि तबीयत खराब हुई थी ना उस टाइम पे, फिर इसको नहीं अच्छा लगे। इसको क्या बड़े इसको भी नहीं अच्छा लगते, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि खोवा बनाया था थोड़ा सा, छोटी वाली बेटी जो है ना जिद करने लगी कि मुझे खोवा खाना है, तो उसके पापा ने ही बना दिया था, मैंने इतने काम किया, थोड़ी सी देर में ही बन गया था। तो थोड़ा सा ही बनाया था, ऐसे नहीं है कि भाई हाँ पूरा ज़्यादा दूध का बनाया था, 1 से 1.5 किलो दूध का था, तो जल्दी बन गया था। तो मैं अभी बना रही हूँ मैगी इन दोनों के लिए, ना तो चाय पीनी है, तो मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ। और ये सूट है एक जो मैं मायके से ही लेकर आई थी,
प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगी। मैंने मतलब अभी पहनना स्टार्ट किया है ये, मतलब अभी 3 4 बार पहन लिया है वैसे, लेकिन ब्लॉग में अभी बना रही हूँ तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। बस एक यही रखा हुआ था तो मैंने ये भी निकाल लिया। आपको खांसी की भी आवाज आ रही होगी ना पीछे से, खांसी काफी ज्यादा हो जाती है। और फिर ये उतरती ठंडा में तो बच्चे जरूर ही बीमार होते हैं। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, सबको फीवर, कफ, कोल्ड, सबको हो रहा है। बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं, एक तो चढ़ती ठंड और एक उतरती ठंड जरूर बीमार करती है बच्चों को, बड़े बच्चे सब हो जाते हैं उसमें। तो छोटू तो सो गई थी 2 बजे, वो खुद से भी सो जाती है, थक जाती है ना, स्कूल जाती है फिर बच्चे रेस्ट मतलब बैठते नहीं आराम से, फिर थकान हो ही जाती है, फिर उसको मैं सुला देती हूँ। खुद से लेटना पड़ता है मुझे, जब मेरी खुद सो जाती है पर मुझे लेटना होता है उसके पास कि हाँ मम्मा है जब वो सोती है। तो बस अभी मैं इनकी मैगी चढ़ा देती हूँ। ऐसे सिंपल वाली खाते हैं मैगी मेरे बच्चे दोनों, मतलब पानी वाली मैगी बोलते हैं और हस्बैंड लेकर आए थे कुछ फ्रूट जो कि मैंने धुल के रखे हुए हैं यहाँ पे। मम्मी जी का है आज फास्ट, आज है आंवला की एकादशी, तो बड़ी ग्यास बोलते हैं। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने मैगी को चढ़ा दिया है, और फिर मैंने बना तो दी थी, और इन दोनों बहनों ने, हाँ इन दोनों ने ना मतलब बहुत कम खाई और बहुत मुश्किल से खाई। पहले तो बोले कि खा लेंगे मम्मा, और फिर जो है ना नहीं खाई। इतने में जो है मैंने सब्जी बना के वो सब्जी को धुल के रख दिया है, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लाए थे कुछ, और जो सब्जी लेकर आए थे अदरक वगैरह, और ये चप्पल कद्दू बोलते हैं इनको हमारे यहाँ, पत्ता गोभी, संतरा, केला, अदरक, धनिया, मिर्ची, अंगूर। तो बस यहाँ पे जो नहीं देखी मैगी जो है ना बन रही है, और वीडियो ये मतलब अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं लेकिन काफ़ी दिन पहले का है, क्योंकि वही है ना मैंने बीच में, ये देखिए इसकी तबीयत अभी भी मतलब ख़राब थी उस टाइम पे, अब तो ठीक है। खैर दोनों बहनों की भी, मेरी में मेरी तबीयत में भी आराम है, और वो जो है ना सो गई थी, खोआ खा के ही सो गई थी, उसके बाद ये देखिए जाग भी गई है। तो बस ऐसे ही बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मन भी नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो काफ़ी दिन लग गए इनको ठीक होने में। और यहीं पे जो है ना शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने आलू जो है ना वो बॉईल किए थे, तो शाम का नहीं, मम्मी जो है ना, मम्मी का शायद फास्ट था उस दिन, हाँ एकादशी था, तो मम्मी के लिए बनाया था आलू का हलवा, तो वहीं से थोड़े से आलू जो है ना बच गए थे, और थोड़ा थोड़ा जो है ना बच्चों को दे दिया था, ये खा लेते हैं, तो इन्होंने खा लिया। और यहाँ पे लाइट हमारी जा चुकी है, इन मतलब लाइट जा रही थी, इन्वर्टर की बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं क्या अंधेरा हो रहा था पूरे घर में, तो दिया वगैरह जो है ना वो जसाया, फिर उसके बाद जो है ना इन्वर्टर जल गया था, मतलब चल गया था। तो यहाँ पे ये मैंने बेसन लिया है, और अभी आपने गोले देखे होंगे आलू के, वो मैंने मतलब मसाले मिक्स किए थे उसमें आलू में, तो वही मैंने सोचा भाई थोड़ी सी सब्जी बनानी है तो इसी तरीके से बना लूँगी, इनकी पकौड़ियाँ जो है तल के, इनको फ्राई करके आलू की गोले को, तो मैंने तेल चढ़ा लिया है, गोले भी बना लिए हैं, और बर्तन अभी पड़े हैं मेरे, क्योंकि एक तो बच्चे बीमार होने से काम का भी रूटीन ख़राब हो जाता है, और उसको पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम है। और बस यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और अच्छी लगी थी मतलब सब्जी, मसाले में ही बनाई थी मैंने, बहुत ही कम मसाले मुझे पसंद हैं अभी, मतलब मेरा मन नहीं करता कि ज़्यादा तीखे, तो बहुत कम मसाले में यूज़ करती हूँ अभी सब्जी में,
ये देखिए इस तरीके से। और इन्हें खाली भी अगर हम खाते हैं ना सॉस या चाय वगैरह या फिर चटनी वगैरह के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जिन्होंने नहीं किए हैं उन्होंने, बाकी तो काफ़ी लोगों ने कर ही रखे होंगे। कोई ऐसी नई रेसिपी नहीं है, तो बस यहीं पे मैंने साथ के साथ तेल निकाल दिया था इसमें से और हींग जीरा डाल दिया था और इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज को जो है ना भुनने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये टमाटर को मैंने लंबे साइज़ में कट कर लिया है क्योंकि ना इस तरीके से जल्दी गल जाता है टमाटर, ज़्यादा टाइम नहीं लेती सब्ज़ी मतलब गलने में टमाटर। तो बस यहीं पे जो है ना मसाले भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और हस्बैंड की उस दिन नाइट शिफ्ट थी तो मैंने सोचा आएंगे तो उन्होंने लेट फ़ोन किया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो खाना नहीं लेके जाते ना तो उस तरह से थोड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, नहीं वो वहाँ पे कैंटीन का खाना अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पे मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, तो बहुत ही कम डाले हैं क्योंकि मैंने इसमें गोले में भी डाला हुआ है और हल्दी गैस पे भी गिर गई तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और ये टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना मैश हो गए हैं मसाले में। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ग्रेवी के लिए। और ये देखिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड करी है, मतलब मलाई ऐड करी है फ्रेश, जो कि फ्रेश ही रहती है क्योंकि भैंस का दूध है तो मलाई फ्रेश ही निकलती है। दिन में हारे में दूध रखा जाता है ना, तो उसमें से थोड़ी बहुत जब यूज़ करनी होती है तो उसी में से ले लेती हूँ, तो ऐसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हाँ चाहिए तो। और यहाँ पर जो है ना ग्रेवी एकदम से रेडी हो गई थी तो मैंने इन गोले को भी डाल दिया था। ये देखिए कितनी मतलब अच्छी लग रही है ना देखने में ही, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और मतलब सब्जी भी बनके जो ना उस तरीके से रेडी हुई थी कि हम इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, मतलब पूरी, रोटी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये देखिए बनकर हो गई है रेडी। तो आप बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।